आज हम देखेंगे कि रबर का प्रोडक्शन जैसे होता है सिक्स स्टैंडर्ड रबर। रबर इज टू टाइप नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। या आप दो टाइप का रबर जो अभी पेड़ों से बनता है उसे हम क्या बोलेंगे नेचुरल रबर, जो हम खुद बनाते हैं उसे आर्टिफिशियल रबर। नेचुरल रबर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गम और सेप ऑफ द ट्रीज, दिस सेप इज कॉल्ड लैटेक्स। तो मतलब पेड़ से जो गम मतलब जो लिक्विड निकलता है उससे हम और सेप ऑफ ट्रीज से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं लैटेक्स बोलते हैं। रबर हैज़ अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड वाइट इन कलर। देखो रबड़ जो भी हम घर पे यूज करते हैं आप घर यूज करते हैं इरेज करने के लिए उसका रबड़ के सब इसका ऑर्डर होती है, स्मेल होती है, मोस्टली रबड़ वाइट कलर में होता है। ये सब क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अभी लैटेक्स सेप ऑफ ट्रीज को क्या बोलते हैं हम लैटेक्स बोलते हैं। देन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विद द सल्फर फॉर दीज 3 to 4 hours टू गिव द हार्डनेस टू द रबर। सल्फर इज मिक्स इन टू इट, द प्रोपोर्शन ऑफ द सल्फर इन द मिक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द पर्पज ऑफ विच द रबर विल बी यूज। अब ये हम किस लिए यूज रबर, वर्कनाइजेशन क्या होता है रबर के साथ अगर हम सल्फर को हीट करेंगे 2-3-4 घंटे के लिए हमको वर्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब ये क्या करता है इस प्रोसेस में रबर क्या होता है बहुत हार्ड होते जाता है। जैसा हम उसके अंदर सल्फर मिलाएंगे जैसे हार्डनेस के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर सल्फर मिलाएंगे, सल्फर ज्यादा मिलाएंगे तो ज्यादा हार्ड होगा, सल्फर कम मिलाएंगे कम हार्ड होगा। जैसे अभी टायर बनाना टायर के लिए हम सल्फर का क्वांटिटी ज्यादा यूज करेंगे, घर पे थ्रेड है रबड़ यूज करना है रबड़ बनाने इरेजर के लिए हम कम यूज करेंगे। सी रे रबड़ बॉल्स रबर टॉयज ऑल हैव द वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ द सल्फर इन देम। इन रबड़ हैंड द प्रोपोर्शन ऑफ द सल्फर इज वेरी स्मॉल, जो चीज हम जैसे यूज करते हैं उसके लिए सल्फर पर उस चीजें उतनी कम होती है। ओके नेक्स्ट प्योर इज सब्सटेंस और मटेरियल फॉर्म टू राइट टू द इंटर राइटिंग ऑफ द सेल्यूलोज फाइबर्स इन ग्लास वुड रैग एंड वेस्ट पेपर डस्ट पेपर इज द काइंड ऑफ द नेटवर्क ऑफ द सेल्यूलोज फाइबर। अब पेपर बहुत ऐसी चीज जिस हम लिखने पढ़ने के लिए यूज करते हैं जो सेल्यूलोज फाइबर ग्लास रैग वेस्ट और वुड से बनता है। पेपर बनाने का प्रोसेस क्या है, कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन आर यूज टू मेक द पेपर। कॉनिफरस ट्रीज जिसमें नोकीले पेड़ होते हैं उसके हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं। द बार्क ऑफ लॉग्स ऑफ द ट्रीज, ट्रीज के बार्क को यूज़ करते हैं उसको पहले हम रिमूव करते हैं उसको छोटे छोटे पीस करते हैं, पीस को हम एक मिक्सर बना के मिक्सर में केमिकल के साथ 4 या 5 2-3 घंटे तक बहुत सारे टाइम तक उसको हम क्या करते हैं सुखाते हैं या गीला करते हैं। इथ हेल्प द पल्प जिस वजह से जेली जैसा बन जाता है। वेन द केमिकल प्रोसेस इज कम्प्लीटेड द फाइबरस सब्सटेंस फ्रॉम द वुड पल्प आर सेपरेटेड, उसको हम फाइबर सब्सटेंस से वुड पल्प को अलग करेंगे उसको डाइस नीचे ऐड करते हैं। तो डाइस जब हम ऐड करते हैं तो पल्प इज पास थ्रू द रोलर्स, रोलर डायर का होता है जिससे सूख जाता है और क्या होता है पेपर बनते फाइनली वाउंड ऑन रील और बाद में रील में क्या होता है वाउंड होता है। पेपर एंड वुड आर क्लोजली रिलेटेड, पेपर और वुड दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। क्यों, अगर पेपर हम ज़्यादा यूज करेंगे पेपर किससे बनता है लकड़ी से, लकड़ी किससे बनता है क्या अगर कटिंग पेपर और लकड़ी कहाँ से बनती है प्लांट से। टू सेव दिस ट्रीज इट इज नेसेसरी टू यूज द पेपर स्प्रिंग, अगर पेपर को हमें ट्रीज को बचाना है तो पेपर को प्रॉपरली यूज करना चाहिए। यहाँ कुछ चीज़ें दी जो हमें करना चाहिए, डू नॉट टीयर अ ब्लैंक पेपर पेजेस ऑफ अ नोटबुक, डू नॉट थ्रो द अवे फ्रॉम द नोटबुक विद द ब्लैंक पेजेस। अब क्या होता कुछ होता ब्लैंक पेजेस फाड़ते और उसको फेंकते हैं, फेंकना नहीं चाहिए। द ब्लैंक साइड ऑफ द एडवर्टाइजिंग पॉम्पलेट इनर साइड ऑफ द पोस्टर एनवेलप द ब्लैंक साइड ऑफ द कैलेंडर पेजेस एंड अदर सच वेरिएबल राइटेबल सरफेस कैन बी यूज टू मेक द नोट्स लिस्ट द कवर और बुक्स डू नॉट थ्रो अवे और बर्न ऑफ द सच पेपर अंटिल इट हैज बीन फुल्ली यूटिलाइज लाइक दिस। अभी होता पेपर आता है न्यूज पेपर उसके साथ पेज ब्लैंक रहता है उसको हम रफ के लिए यूज कर सकते हैं, कोई ना कोई पर्पज के लिए यूज करना सुविधा होगा वैसे ही फेंकना नहीं चाहिए। वेन एवर पॉसिबल ट्राई टू यूज द पेंसिल एंड द स्लेट, जैसा अगर पॉसिबल पेपर जब पेंसिल स्लेट लिखो जिससे एक्सप्लेन करना है पेंसिल स्लेट होगा तो उससे एक्सप्लेन करने में ईजी हो जाएगा। कोऑपरेट विद द पीपल हु कलेक्ट पेपर फ्रॉम द गार्बेज और बाय स्क्रैप पेपर, दिस पीपल हेल्प इन द पेपर टू रिसाइकल। अभी जब पेपर को पेपर कलेक्ट करता है उसको पेपर को अच्छी जगह पे रखो और उस पेपर को यूज करने के लिए उसे दो दो पेपर अच्छी जगह पे पहुंचा देता है। ओके तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सी फ्रॉम द टाइम इट वॉज फर्स्ट थॉट दैट द आर्टिफिशियल यार्न could be produced to meet the clothing needs on and increasing the population, much research and progress has taken place in this field and innumerable kinds of the synthetic or artificial threads are now available.
nylon, dacryl, terephthalate, polyester, rayon, or them, the names of various synthetic fiber threads. अभी कैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो हम क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर्स पे हम डिपेंड नहीं रहते, नेचुरल धागों पे हम डिपेंड नहीं रहते, इसलिए लोगों ने क्या किया, केमिकल से आर्टिफिशियल थ्रेड तैयार किया. तो इसका नाम क्या है, टेरेलिन, डैक्रॉन, टेरिन, पॉलिस्टर, रेयन, करेक्ट. तो सी, सिल्क इज द नेचुरल थ्रेड और फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोकस. कहाँ से ऑब्टेन होता हुआ, कोकस ऑफ द सिल्क वर्म फ्रॉम वन कोकुन 1 cocoon 5 meter to 300 meter of the thread can be obtained. It is said that a silk was first produced on the large scale in China. सबसे ज़्यादा यहाँ पे produce होता था वो चाइना, तो फिलिप्स के लिए क्वेश्चन आता चाइना से होगा, cocoons क्या होता है ये सब, और कितना थ्रेड प्रोड्यूस होता है ये सब फिलिप्स से आपको पेपर क्वेश्चन आ सकते हैं. नाउ सी, ऑलमोस्ट ऑल द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स इन द ओल्डन डेज कैन नाउ बी मेड फ्रॉम द सिंथेटिक. पहले हम जो जिससे बना नेचुरल से बनाते, अभी हम सिंथेटिक से सब बनाते, बर्तन हो गए सब प्लास चीज़ें मोस्टली अब सिंथेटिक चीज़ों से बनती है. लाइलन, रेयन, टेरिन, एक्रेलिक आर ऑल सिंथेटिक थ्रेड्स एंड मेनी आर्टिकल्स इन आवर डेली यूजेस आर मेड फ्रॉम देम. देन नायलॉन, दिस थ्रेड्स वेर द इन्वेंटेड एट द सेम टाइम इन न्यूयॉर्क एज वेल एज लंडन. लंडन न्यूयॉर्क दोनों होने की वजह से देयरफॉर द इनिशियल एनवाई, इसका एनवाई लिया गया और एलओ लिया गया, न्यूयॉर्क का एनवाई और इसका एलओ है. तो क्या होगा, नायलॉन, नायलॉन थ्रेड विल हैव द साइन आर स्ट्रॉन्ग, साइन होने और स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपोर्ट होने के और वाटर रेजिस्टेंस होता है, जिसमें इसका यूज हम इसलिए करते हैं फिशिंग के लिए, साइनिंग होता है कपड़े में, साइनिंग कपड़े पहनने के लिए और नेट्स में बनाने में, रो बनाने में इसका यूज करते हैं. रेयन, कॉटन एंड वुड पल्प इज डिसॉल्व्ड इन अ केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड. कॉटन वुड पल्प को हम किसमें डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, टू मेक द सोल्यूशन. देयर थ्रेड्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम दिस सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मशीन, और मशीन से हमें थ्रेड मिलता है. एंड दिस थ्रेड हैव द साइन एंड स्ट्रेन, इसको थ्रेड और साइन और स्ट्रेन का, जिसकी वजह से इसका नाम हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक सिल्क बोलते हैं. किस क्यों बोलते हैं, बिकॉज साइन और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. They appeared to be shining bright like the sun rays, hence they were named as the rayon. क्यों इसका नाम दिया, क्योंकि सन की तरह तब चमकते हैं, इसलिए इसका नाम रेयन दिया गया. The dacron, terin and terlin and the terin, various hydrocarbons obtained from the minerals oils are used to make the polymer chains. A solution of the such polymer is pressed through a strainer with the fine holes. The fibers formed after cooling are long and unbroken thread. These threads are twisted in the yarn. We क्या होता है, पॉलीमर चैन के हाइड्रोकार्बन के साथ हम यूज करते हैं, पॉलीमर चैन बनता है, एक होता है एक या एक थ्रेड बनता है, चैन बनता है, ये सब धागा तैयार होता है, यान तैयार होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स आर यूज टू मेक द दिस थ्रेड ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज. इसी प्रॉपर्टी में जैसे यूज करना, कलर ज़्यादा यूज, कलर वाला डालेंगे कम कम हल्का टाइप जैसे यूज करें, वैसे हम इसको अलग प्रोपोर्शन केमिकल यूज करते हैं. These different threads have been named as dacron, terin and tellurin and terin. See, names of words, hydrocarbon क्या होता है, substance obtained from the mineral oil. Polymer chain का long continuous chain formed with a small interlinked chemical. जैसे आपके प्लांट होते हैं, प्लांट में एक पत्ते एक चैन दूसरी चैन मिक्स होती है, ऐसे हम पॉलीमर चैन भी आपका होता है. नाउ सी लास्ट पॉइंट, एडवांटेज. पहले हम पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर का. पहला, दीज फाइबर्स कैन बी मैन्युफैक्चर मास बड़े स्केल पर, हम इसको तैयार कर सकते हैं. दूसरा, दे कॉस्ट लेस, कॉस्ट कम होता है. दे आर स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल, मजबूत और धोने लायक होते हैं. दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अच्छे ज़्यादा दिन के लिए यूज कर सकते हैं. दे आर वाटर रिपेल्ड, डू नॉट गेट वेट, दे ड्राई इजली, और वाटर मतलब पानी में रुकता नहीं, जिसकी वजह से गीले नहीं होते हैं और जल्दी सूख जाते हैं. दे आर लाइट वेट एंड कम्फर्टेबल, हल्के होते हैं और हमें पहनने में ईजी रहता है. दे हैव अ साइन, दे एनहांस अपीयरेंस ऑफ द वियरर, में साइनिंग होती है जिसकी वजह से पहले भी चार लगती है, जैसे होता है कोई कपड़ा हम चलते हैं कोई आप मूवी में देखते हो लोग कैसे अलग दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ साइनिंग होने की वजह से सबसे अलग दिखाई देती है. दोस्त मेस फ्रॉम द थ्रेड आर रिंकल फ्री, और इसमें क्या होता है रिंकल मतलब झुरियाँ नहीं आती हैं और स्क्रैच फ्री होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट पार्ट इसका सेकेंड, इसमें शॉर्ट कमिंग मतलब कमी है क्या है. दे आर वाटर रिपेल्ड, हैंस डू नॉट एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम द स्किन, पानी नहीं सोखते जिसकी वजह से वाटर रिपेल्ड होते, इसके पानी सोखते नहीं. कंटिन्यूस यूज ऑफ क्लोथ मेड फ्रॉम दीज थ्रेड्स कीप द
का स्किन, अगर ज्यादा अगर हम यूज करेंगे तो पानी तो सोखेंगे, जिसकी वजह से हमारी स्किन क्या होती है, गीली होती है, और हमें क्या होता है खुजली होने के चांसेस रहते हैं, क्या स्किन डिजीज होते हैं। सिंथेटिक क्लोथ्स आर अनकंफर्टेबल टू वियर दिस स्पेशली इन समर, समर में इसको पहन नहीं सकते। तीनों का रीजन एक ही है, पानी नहीं सोखता जिसकी वजह से गर्मी पहन नहीं सकते, अगर जिसकी वजह से हमें क्या स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, स्किन डिजीज। सिंथेटिक फाइबर सब कैसे फायर जल्दी पकड़ता है, इट हैज द कैच द फायर द क्लोथ स्टिक, अगर पकड़ लिया तो हमारी बॉडी सी और इंजरीज चिपक जाती है ना, और बॉडी को इंजरीज हो सकती है। दिस फाइबर्स आर नॉट डिकम्पोज बाय द माइक्रो, इसको हम माइक्रो डिपोज नहीं कर सकते।